हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंधे गिरने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और इसके लिए मैंने एक शोल्डर का चार्ट बनाया है। ये चार्ट मैं आप लोगों को अभी पूरा समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बॉडी नाप में शोल्डर, पीछे गले की गहराई, शोल्डर की फिक्स कटिंग और गले की कटिंग कितने इंच पर करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। और ये चार्ट काफ़ी लंबा है, तो आप नीचे भी देख सकते हैं। इसमें कॉलर, ब्लाउज, बोट नेक और हाई नेक के लिए भी टिप्स दिए गए हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा आखिरी तक देखिए, लास्ट तक, ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि बॉडी नाप में शोल्डर क्या होता है, कैसे नापते हैं बॉडी मेजरमेंट लेते हुए शोल्डर को। तो फ्रेंड्स ये है एक डेमो, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नज़र पड़ेगी आप लोगों की इस ब्लाउज के ऊपर। तो इसका, इसे बोलते हैं लपेटा ब्लाउज, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, इसको देख लेना। अभी बात करते हैं शोल्डर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक आस्तीन से लेकर के दूसरे आस्तीन तक, ये देखें, यहीं पर हमारा आस्तीन ज्वाइंट होता है ना, तो यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं शोल्डर। बॉडी नाप में इसी को शोल्डर बोला जाता है। ये इस तरीके से हम जब इसको नापते हैं, तो इसका जो शोल्डर आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है लगभग 14.5 इंच का। तो ये आप लोग इसी तरीके से नापोगे। कोई भी लेडी जब ब्लाउज पहनती है, तो यहाँ पर आस्तीन का जो ज्वाइंट होगा, आस्तीन की सिलाई से लेके दूसरे आस्तीन की सिलाई तक आपको नापना है, उसी को बॉडी नाप में शोल्डर बोला जाता है। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से वे लोग जानते हैं जो लोग बॉडी नाप लेकर के ब्लाउज बनाते हैं। तो यहाँ मैंने समझाया पहला कॉलम शोल्डर का नाप क्या होता है बॉडी मेजरमेंट में। आखिरी तक देखिएगा वीडियो को, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ। दूसरी बात करते हैं पीछे गले की गहराई, ये क्या होता है, पीछे गला कितना डीप है, इसको समझते हैं। तो वापस आते हैं डेमो की ओर। यहाँ पर देखिए कहाँ से नापते हैं, ये शोल्डर पे हमने टेप को रखा और उसके बाद ये गले की गहराई इस तरीके से हम नापते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 12 इंच का इसका गला है। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, गले की गहराई इसको बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरा और चौथा कॉलम है, उसको मैं आप लोगों को अभी पेपर पे कटिंग करके अच्छे से समझाऊंगा। तो इस पे भी मैं आप टिक लगा देता हूँ, क्योंकि ये भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये इस प्रकार से चौथा कॉलम जो है गले की चौड़ाई, इस पे भी हम टिक लगा लेते हैं। ये चारों चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पेपर लिया है, हमेशा की तरह जिस तरीके से हम ओपन साइड अपनी तरफ रखते हैं, सामने और पीछे दोनों पार्ट को एक साथ काटने के लिए, वैसा ही रखा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई लेंगे। अब ब्लाउज की लंबाई कैसे लेते हैं, जैसे हमें बनाना है 13 इंच का ब्लाउज, तो 1 इंच का मार्जिन लेते हैं और 14 इंच पर लगाते हैं निशान। तो ये देखिए, ये निशान हमने लगाया ये एक जगह पर, और दूसरी जगह पे एक बार फिर से लगाते हैं, ये इस तरीके से दो जगह पर ये निशान हम लगाते हैं। फिर इसी निशान को स्केल की मदद से सीधा मिलाया जाता है। ये हमारा सबसे पहला काम होता है पेपर कटिंग पे। अब ध्यान दीजिए, यही जो लाइन है ना, इसी पर हम शोल्डर की कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, या शोल्डर का नाप लेते हैं। तो अब इसी को समझना है। तो यहाँ पर हम टेप रखते हैं, और यहाँ पे हम कभी 5 इंच पे निशान लगाते हैं, कभी 5.5 पे निशान लगाते हैं, कभी 6 पे, कभी 6.5 पे। तो इसी का गणित मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कितने इंच पर आपको निशान लगाना है, और इसका ये चार्ट अब हम यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको इस चार्ट का फोटो चाहिए, इस चार्ट को आप नोट करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप सभी इसको नोट करना चाहेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दिलीप टेलर्स ऐप। और इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है, वहाँ पे आपको इसकी फ़ोटो मिलेगी टिप्स एंड चार्ट के सेक्शन में, और वहाँ जाइए फ़ोटो को जूम करके भी आप देख सकते हो, एक एक जानकारी जो इसमें दी हुई है सभी को आप नोट करके अच्छे से रख सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसको पूरा डिटेल से। तो पहला कॉलम है फ्रेंड्स शोल्डर का नाप, वो भी बॉडी मेजरमेंट से। दूसरा कॉलम है हमारा पीछे गले की गहराई इंच में। तीसरा जो कॉलम है वो है शोल्डर की फिक्स कटिंग इंच में। और चौथा कॉलम है गले की चौड़ाई। तो जैसे हम, मैंने बताया कि अभी हमने बॉडी नाप लिया, मान के चलिए हमारा शोल्डर आया 14 इंच का। तो 14 इंच का जब शोल्डर आएगा, तो आप निशान, जाहिर सी बात है, यहाँ पे 7 इंच पे तो नहीं लगा दोगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पीछा गला, पीछे वाला जो गला है वो कितना हम यहाँ पर गहरा रख रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है, जैसे आपको 3 से 4 इंच का गला रखना है, तो आप शोल्डर की कटिंग, ये बिल्कुल फिक्स कटिंग है, कोई मार्जिन नहीं देना, शोल्डर की कटिंग आप करेंगे
6.75 इंच, इसका मतलब 7.25 इंच पर, और उसमें आपको गला रखना है 2.5 इंच का, जब आप गले को 3 से 4 इंच खोलोगे तब। वहीं उसके नीचे लिखा हुआ है 4 से 5, तो जब आप गले को 4 से 5 इंच तक खोलते हो फ्रेंड्स, तो आपको शोल्डर काटना है 6.5 इंच पर, और गला एक बार फिर से होगा 2.5 इंच का। इसके बाद जैसे ही 5 इंच से नीचे हम आते हैं, 5 इंच से लेकर के 6 इंच तक का गला जब हम रखते हैं, तो शोल्डर हमें काटना है 6 इंच पर, और गले का जो चौड़ाई हमें रखना है वो होगा 2.25 इंच। 2.25 का मतलब होता है 2.25। अब बात करते हैं 7 इंच गला बनाने पर हम इसको लेंगे कितना, 5.25। 8 इंच पे हम इसको लेंगे 5.5। 9 इंच पे लेंगे 5.25। 10 इंच पे लेंगे 5 इंच, और जैसे ही 11 इंच हम डीप करते हैं तो सिर्फ 5 इंच, और उससे भी ज़्यादा डीप करना है, बहुत ही ज़्यादा बैकलेस की तरह बनाना है, तो ये आ जाएगा 4.25 इंच, और बिल्कुल ही ओपन करना है, 12-13 इंच गला रखना है, तो ये कटिंग करोगे 4.5 इंच में। तो आपने देखा फ्रेंड्स शोल्डर किस तरीके से डाउन होते हुए आता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे हमारा 14 इंच शोल्डर का नाप आया, तो ये 7 इंच का निशान कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। अब देखिए शोल्डर कैसे डाउन होते हैं, जैसे जैसे गले की गहराई होगी वैसे वैसे शोल्डर डाउन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 इंच आपको गला रखना है, तो आप 5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाओगे, तो ये देखिए शोल्डर आपका इतना कम हो जाएगा। तो यही कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने ये चार्ट आप लोगों को पूरा दिया है, और उम्मीद करूँगा ये चार्ट आप सभी को पसंद आएगा। नोट करना है तो दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप पर जाइए, इसकी फ़ोटो आपको मिलेगी, फ़ोटो जूम करके अच्छे से इसको लिख करके रख लेना। नीचे एक और मैंने जानकारी दी हुई है, वो इसमें लिखा है कि यदि बॉडी नाप में शोल्डर जो है 14 इंच का आ रहा है, तब आपको कॉलर वाला ब्लाउज बनाने के लिए 2.5 इंच गला ओपन करना है, और शोल्डर की कटिंग आप करोगे 7.5 इंच पर। और जैसे कि बोट नेक आपको बनाना है, तो गला आप ओपन करोगे 4.25 इंच, और शोल्डर की कटिंग आपको करना है 4.75 इंच पर। और वहीं हाई नेक की बात करें, तो गला आप 2.5 इंच पे खोलोगे, और शोल्डर आपको रखना है 7 इंच का। तो ये क्लियर है फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है ये मैंने आप लोगों को दिया, 14 इंच जब बॉडी के नाप में शोल्डर आता है तब क्या करेंगे। इसका वीडियो ट्यूटोरियल आगे भी Part 2 और Part 3 आने वाला है, जिसमें मैं बताऊँगा कि शोल्डर का नाप अगर 13 इंच आता है तब आप उसको कैसे ठीक करोगे, और 15 इंच आता है तब आप कितने इंच पर निशान लगाओगे गले के हिसाब से। शोल्डर हमेशा ध्यान रखना पीछे गले के हिसाब से लिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गले की चौड़ाई क्या होती है, और किस प्रकार से हम जैसे गला डाउन करते हैं तो शोल्डर को कम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 10 इंच गले के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.25 इंच, तो यहाँ पर लगाते हैं 2.25 इंच पर निशान। ये देखो ये 2.25 इंच का निशान हुआ। उसके बाद हमें नापना है 10 इंच गला, तो ये चार्ट यहाँ से हटाना होगा। ये देखो 10 इंच गला हमने नापा, तो हमारा शोल्डर यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, ये सीधा सीधा आपका कम हो जाएगा 2 इंच, और ये आ जाएगा निशान 5 इंच पर, ये इस तरीके से। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बॉडी नाप में शोल्डर का कौन सा नाप आपको और चाहिए, तो आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं शोल्डर की पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं, कि शोल्डर जो है किस तरीके से गिरते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस महीने बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय मुझे दीजिए, ताकि उस हिसाब से आगे की वीडियोज़ जो है मैं बना सकूँ। अब देखिए जैसे हमें 10 इंच नहीं रखना है, हमें रखना है 8 इंच, तो क्या हुआ हमारा गला चढ़ गया, और जैसे ही गला चढ़ा तो हमारा शोल्डर उधर फैल जाएगा, ये जो 5 है वो 5.5 हो जाएगा। ये ही कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स, इसी को आपको समझना है, और इसी के लिए मैंने ये चार्ट दिया है। आगे आने वाली वीडियोस में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम गले का शेप बनाते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम एक निशान ले लेते हैं, 2.5-3 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, स्केल से इस निशान को इस तरीके से मिलाते हैं, और यहाँ पर हम ऊपर से भी इसको मिलाएंगे, गले का शेप दे देते हैं गोल गले का। और उसके बाद ये जो शोल्डर वाली लाइन है ना, यहाँ से हम ये देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच नापा, तो यहाँ पर भी 5 इंच नापेंगे, और दोनों निशानों को एक बार फिर से यहाँ पर मिला लेना है स्केल से, ये ऐसे। इतना करने के बाद हम आर्म होल को नापते हैं,
तो आज का मेरा उद्देश्य आर्महोल को समझाने का नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम आर्महोल लेते हैं 1.25 इंच का, तो ये इस प्रकार से हम 1.25 का आर्महोल लिए और उसके बाद इस निशान को हम सीधा यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। अब नॉर्मल से हम आर्महोल की गोलाई दे देते हैं। आर्महोल का मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिया है, डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। ये देखिए, तो ये इस तरीके से बनता है आपके ब्लाउज का ड्राफ्ट। और ये जो चार्ट है फ्रेंड्स, इसको आप सूट और ब्लाउज दोनों के लिए यूज़ करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चार्ट है ये समझ में आया होगा। इसकी फ़ोटो आप लोग ज़रूर देख लेना और इसको पूरा नोट करके रख लेना। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट करके बताओ। इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है, उसमें मैं आप सबके कमेंट्स का जवाब दूंगा और उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। जहां पर भी लगेगा मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। तो नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। शोल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लाउज में। इस तरीके से शोल्डर की कटिंग करोगे तो शोल्डर गिरने की समस्या आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। मेन जानकारी क्या होती है, गला कितने इंच पर काटना है और शोल्डर कितने इंच पर काटना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें और हमारे नए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। RD बुटीक चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। हमारा मोबाइल ऐप जो है दिलीप टेलर्स, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।